यहाँ पे Realme Watch 3 की बात में करो तो इसका मैंने अनबॉक्सिंग डिटेल रिव्यू कर रखा है और बहुत सारी वॉचेस के साथ मैंने कंपैरिजन भी कर दिया, बट अभी जो इसका प्राइस है वो कहीं ना कहीं हाइप कर चुका है, बढ़ चुका है और इसका प्राइस 3500 रुपये कर दिया है। आई डोंट नो किस वजह से इसका प्राइस 3500 रुपये किया है। मेरे को इसका प्राइस 2500 रुपये से ज़्यादा नहीं लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो फीचर है वो मिसिंग है, जो कि है वॉइस असिस्टेंट। यस गाइज, दूसरा इसमें बिल्ड क्वालिटी आपको पॉलीकार्बोनेट मिलती है ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ, तो गाइज ये मेरे को सही नहीं लगा। और तीसरा थोड़ा बॉक्सी डिज़ाइन मिलता है आपको डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स की तरह, थोड़ी सी मोटी वॉच ही लगती है। और गाइज चौथा जो इसका प्राइस है मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, 3500 रुपये कर दिया है। राइट, तो गाइज ये सब चीज़ें मिलती हैं इसमें और थोड़ी सी डिस्प्ले फ्लिकर करती है। अगर मैं यहाँ पे ब्राइटनेस कम करूँ, यहाँ पे फुल कर रखी है, अभी नहीं करी, देखो यहाँ पे जैसे ही मैं बहुत कम कर रहा हूँ तो फ्लिकर कर रही है, ऑन कैमरा करती है वैसे नहीं करती। बट चेन भी आपको बड़ी मिलती है, तो गाइज यहाँ पे प्राइसिंग बढ़ाने के हिसाब से मैं इसको अंडर 3000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट से हटाता हूँ, इसको हम साइड रखते हैं। सो गाइज यहाँ पे बहुत सारी वॉचेस रखी हैं आपके सामने, बहुत सारी नहीं कहूँगा, ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे 6-7 वॉचेस हैं, बट मैं आपको बताने वाला हूँ 3000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज है कि कौन सी वॉच लें, 2000 रुपये, 3000 रुपये, ये ऐसा सेगमेंट है ना कि हर एक पर्सन चाहता है, हर एक यंगस्टर चाहता है एक अच्छी वॉच मिल जाए, कॉलिंग फैसिलिटी के साथ, एमोलेड डिस्प्ले मिल जाए, उसको इनबिल्ट स्टोरेज मिल जाए, TWS पेयरिंग का ऑप्शन मिल जाए, नॉर्मल टू थिन विस्ट के लिए कैसी लगेगी, मेरे विस्ट पे अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, तो आज हम बात करेंगे। यहाँ पे ऑन सेल भी ऑफर चल रहे हैं जो आपको सारे के सारे जो फ्लिपकार्ट पे चल रहे हैं और अमेजोन पे चल रहे हैं, उनका कॉम्बिनेशन मैं दे दूंगा यहाँ पे आप सभी को, और कौन सी बेटर है वो भी आप यहाँ पे चूज़ कर पाओगे। यहाँ पे अगर हम बात करें, फायरबोल्ट की वॉचेज है मेरे पास, बोट की वॉच है यहाँ पे मेरे पास, रियलमी की वॉच है, इवन नॉइस की वॉच भी है, तो ये सारी वॉचेज मेरे पास है, कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगा, और मेरे ख्याल से अंडर 4000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में रखना ज़्यादा बेटर रहेगा उस वॉच को। तो हमारे पास आ जाती है यहाँ पे मिला जुला के ये चार वॉचेस। अब इन चार वॉचेस के अलावा बहुत सारी वॉचेस हैं आई नो यहाँ पे, बट इन चारों को इसीलिए लिया मैंने जो टॉप की चल रही हैं अभी एज ऑफ नाउ, जो वैल्यू फॉर मनी आपको दे रही हैं, प्रोवाइड कर रही हैं। और अंडर 3000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में आपको वैसे बहुत सारी वॉचेस मिल जाएंगी, फायरबोल्ट निंजा कॉलिंग मिल जाएगी, निंजा कॉल 2 भी मिल जाएगी आपको, फायरबोल्ट की या आप इनक्रेडिबल भी देख सकते हो, वो भी मिल जाती है आपको, बट यहाँ पे कॉलिंग फैसिलिटी के साथ आपको पर्टिकुलरली ये सारी की सारी कॉलिंग वाली वॉचेज़ हैं, देख सकते हो आप इस तरीके से मिलती हैं। अब गाइस बात करें यहाँ पे सबसे पहला जो बेस्ट वॉच है, मतलब अंडर 3000 में इन सब में ओवरऑल सबसे बेस्ट वॉच बता रहा हूँ आप सभी को, बीम कॉलिंग। यस, आपने सही सुना, 3000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में वॉच मिलती है, इस तरीके का लुक मिलता है आपको, सिमेट्रिकल बेजल्स, एल्युमिनियम केसिंग, साथ में ग्लास्टिक बैक, डेडिकेटेड सेंसर, यहाँ पे सेंसर अच्छे तरीके से काम करते हैं, और लुक और फील प्रीमियम मिलता है, सिंगल बटन मिलती है यहाँ पे, आपको माइक मिल जाता है यहाँ पे, स्पीकर का सपोर्ट मिलता है, ओवरऑल वॉच तगड़ी है, कमाल की वॉच मिलती है यहाँ पे, वॉच फेस भी आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं, 7-8 अपने पिक को एज अ वॉच फेस आप लगा सकते हो, और यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी आप देख सकते हो, डीपर ब्लैक्स मिलते हैं देखने के लिए, तो डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छी है, 320 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है, सबसे बेस्ट है, मतलब इन सब वॉचेस में सबसे बेटर आपको रिजोल्यूशन इस वॉच का मिलता है, और इसका मिलता है और एक और का मिलता है, अल्ट्रा बस का मिलता है, बट अल्ट्रा बस में आपको वही बात है, फिर असिस्टेंट नहीं मिलता, वॉइस असिस्टेंट, इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट भी मिलता है और अच्छी तरीके से काम भी करता है। अगर यहाँ पे कनेक्टेड है तो मैं आपको दिखाया था, ओके कनेक्टेड है यहाँ पे, कॉल क्वालिटी मैं चेक कराया था थोड़ा सा आपको, स्पीकर की क्वालिटी मेरे को फर्स्ट क्लास लगी इस वॉच की इन सब वॉचेस के कंपैरिजन में, आप सुन लो खुद ही। क्लीन क्रिस्प क्वालिटी मिलती है आपको, राइट, और इवन ट्रांसफर करने का ऑप्शन मिलता है कॉल को। तो ये तो हो गई अंडर 3000 रुपीज़ में सबसे बेस्ट वॉच, और वॉइस असिस्टेंट भी बेटर काम करता है यहाँ पे, और वॉइस असिस्टेंट आपको इवन कैलकुलेटर भी देखने को मिलता है, इवन गेम्स भी मिल जाते हैं, तो गाइस और क्या चाहिए आपको, राइट। कमी है तो सिर्फ इनबिल्ट स्टोरेज और TWS पेयरिंग का ऑप्शन, दैट्स इट, बट वो आपको थोड़ा सा अपना जो बजट है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा, देन ओनली आपको वैसी वॉच मिलेगी। तो ये सबसे नंबर 1 पे रखना चाहता हूँ मैं, फायरबोल्ट की बीम कॉलिंग। सेकंड नंबर पे कौन सी रखें हम, आपको क्या लगता है कौन सी रखनी चाहिए मेरे को सेकंड नंबर पे? सेकंड नंबर पे हम रखते हैं यहाँ पे, यस मैंने सही उठाई वॉच, फायरबोल्ट की वंडर। ये सेकंड नंबर पे क्यों रख रहा हूँ, इसका जो प्राइस है अभी फ्लिपकार्ट पे एज ऑफ नाउ चल रहा है करीब करीब चल रहा है 2500 रुपीज़। यस, आपने सही सुना, 2500 रुपये चल रहा है, 2500 में बेस्ट वॉच है ये। क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ क्यों बेस्ट है। लुक और फील, पहला तो आई नो यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है, बट यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी, डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस और 1.8 इंचेस की डिस्प्ले, कॉलिंग फैसिलिटी के साथ अंडर 2500 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में अच्छी वॉच मिल रही है आपको, और इवन यहाँ पे देख सकते हो एज इट इज सिमिलर फीचर्स हैं, एज इट इज सिमिलर, अगर आप कंपेयर करो यहाँ पे इस वॉच से, राइट, एज इट इज सिमिलर है बीम कॉलिंग से, बट इसमें कमी क्या है, सिर्फ पॉलीकार्बोनेट बिल्ड की कमी है, और ओवरऑल यहाँ पे स्पीकर की क्वालिटी इसमें भी तगड़ी मिल जाती है आपको, वॉइस असिस्टेंट इसमें भी देखने को मिलता है, और ये भी वन ऑफ द बेस्ट वॉच है फायरबोल्ट की, और इस प्राइस ब्रैकेट में आपको और कोई वॉच नहीं मिलेगी जो ये सारे फीचर्स दे। इवन यहाँ पे इन द वॉच इटसेल्फ आप सॉन्ग भी सुन सकते हो, यहाँ पे आपको वो चीज़ मिल जाती है, और यहाँ पे देखो गेम्स मिल जाते हैं, और गाइस यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट भी प्रॉपरली वर्क करता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाया था, यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट आपका सेटिंग में देखते हैं गाइस, तो गाइस यहाँ पे भी नहीं है, ओके ऊपर ही है गाइस,
मैं यहाँ पे देखो डिसकनेक्टेड है, वैसे प्रॉपरली काम करता है, अच्छी तरीके से काम करता है और यहाँ पे डेडिकेटेड सेंसर के साथ ये वॉच आती है। ये अंडर 3000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में सेकंड वॉच रखना चाहूँगा फायरबोल्ट की ही, और इसको आप ग्रैब कर सकते हो। क्यों मैं इसको रख रहा हूँ सेकंड नंबर पे, क्योंकि इसमें वॉइस असिस्टेंट मिलता है। मैं यहाँ पे बोट की वेव कनेक्ट को भी रख सकता था, बट क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पे आपको एलेक्सा मिलता है, एलेक्सा से ज़्यादा बेटर काम करता है हमारा इसका वॉइस असिस्टेंट, और साथ में यहाँ पे कैलकुलेटर भी मिलता है। तो गाइज़ ऑब्वियसली बात है ज़्यादा बेटर ये रहेगा, और कॉलिंग फैसिलिटी तो है ही, साथ में गेम्स भी मिल जाते हैं इस तरीके से, राइट। तो ये अंडर 3000 में मैं सेकंड नंबर पे रखता हूँ वॉच। अब गाइज आपको पता ही कौन सी रखूँगा मैं, या तो मैं येरी बोट की वेव कनेक्ट रखूँगा, या तो मैं नॉइस की अल्ट्रा बज रखूँगा। तो वेव कनेक्ट रख लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी, पीक ब्राइटनेस और सनलाइट विजिबिलिटी, कॉम्पैक्टनेस अमेजिंग है इस वॉच की। ये थिन वेस्ट पे कमाल की लगती है, और ज़्यादा थिन वेस्ट है उस पे भी कमाल की लगेगी, देख सकते हो यहाँ पे मेरे मीडियम वेस्ट पे उस पे बहुत ही अच्छी लग रही है। लाइट वेट भी है और पॉलीकार्बोनेट का बिल्ड है आई नो यहाँ पे, बट ओवरऑल वॉच अच्छी है यहाँ पे। एक चीज़ मेरे को बहुत ही कमाल की लगी इस वॉच में, जो अदर वॉचेस नहीं थी, इवन बीम कॉलिंग भी नहीं दे रही है, वो है यहाँ पे आपको ये मतलब ये जो रिंगटोन है वो चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। तो ये मेरे को बहुत ही बेटर लगा इस वॉच का, बट बीम कॉलिंग में जो चीज़ें हैं वो उसमें नहीं है फिर, मतलब कैलकुलेटर नहीं मिलता और वॉइस असिस्टेंट प्रॉपरली वो वाला नहीं मिलता, इसमें एलेक्सा मिलता है। तो ये है थोड़ा सा फ्लॉ इस वॉच का, और कॉल क्वालिटी इसकी भी अच्छी है यहाँ पे, अगर कनेक्टेड है मैं आपको दिखाता हूँ आप सभी को, अगर ये अभी कनेक्टेड है तो, वरना फ़िलहाल तो मैंने इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू कर ही रखा है, आप जाके देख सकते हो। वैसे यहाँ पे ओके कनेक्टेड है, देखो सुनो इस तरीके से, लाउडनेस कम है डेफिनेटली, बट क्रिस्प और क्लियर मिल जाती है आपको साउंड क्वालिटी। इसको मैं रखता हूँ थर्ड नंबर पे, इसको आप चूज़ कर सकते हो। इसकी भी बेस्ट बेलिंग अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सीधे जाके आप ग्रैब कर पाओगे। सारी की सारी जो वॉचेज़ हैं उसका मैं एक कह सकते हो फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बेस्ट बेलिंग का आप सीधे जाके बाय कर सकते हो। अब गाइस आपको पता ही मैं कौन सी रखने वाला हूँ, अल्ट्रा बज, यस। ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से बाय की थी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ऑफिशियल वेबसाइट से बाय कर सकते हो, कोई फ्रॉड तो नहीं होगा। गाइस नॉइस की वेबसाइट है, कोई फ्रॉड नहीं होगा, आप सीधे जाके बाय कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है वैसे। और ये आपको अवेलेबल है अमेजॉन पे, अमेजॉन की लिंक भी दे दूंगा यहाँ पे। 1.75 इंच की डिस्प्ले मिलती है, स्लिम वॉच है और डेडिकेटेड सेंसर के साथ आती है, एक्यूरेसी अच्छी है इस वॉच की, और उसी के साथ साथ यहाँ पे स्लिम वॉच भी है, पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिलता है आई नो यहाँ पे, बट यहाँ पे कॉल क्वालिटी ये सब चीज़ें आपकी अच्छी तरीके से वर्क करती हैं। यहाँ पे अगर कनेक्टेड है ओके, कनेक्टेड नहीं है ये, बट यहाँ पे कॉल जो लाउडनेस है ना वो आपकी इससे वेव कनेक्ट से बेटर मिलती है इसमें अल्ट्रा बज में। और यहाँ पे जैसे कि एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं स्टॉक मार्केट का, मतलब यहाँ पे जो वो दिखाता है नोटिफिकेशन, मतलब स्टॉक मार्केट का अदर वॉचेस में नहीं मिलता है, बट कमी है तो सिर्फ वॉइस असिस्टेंट या एलेक्सा की, वो दोनों चीज़ें इसमें नहीं मिलती हैं। तो ये लास्ट में रखता हूँ अंडर मतलब अंडर 3000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में, 2999 रुपीज़ मिल रही है, ये भी आप ले सकते हो। बट मैंने आपको दो टॉप की वॉच बता दी, वंडर और बीम कॉलिंग, और तीसरी आपको बोट की वेव कनेक्ट, इसमें से आप चूज़ कर लेना, राइट राइट। तो गाइज यही था एक सिंपल सा कह सकते हो एक छानबीन करके मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके ग्रैब कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलेंगे डिजो वॉच क्यों नहीं रखी, डिजो वॉच में आपको कॉलिंग फैसिलिटी नहीं मिलती आपको, मैंने कॉलिंग वॉचेस खास कर लिया है यहाँ पे अंडर 3000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में। तो गाइज कैसी लगी वीडियो, एक थम्स अप जरूर बनता है इस वीडियो के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, सबकी बेस्ट वेलिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगा। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।